हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि URL शॉर्टनर वेबसाइट आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, लाइक दोस्तों GA.GL के तरह या एडलिंक फ्लाई के तरह आप लोग वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। ये एक डेमो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा कि कहाँ से आप लोग स्क्रिप्ट वगैरह को डाउनलोड करें। और दोस्तों यहाँ पे आप वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कुछ मैं टिप्स भी देने वाला हूँ, उसे ज़रूर फॉलो करें। ये सब जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एड लिंक फ्लाई का स्क्रिप्ट है। इसका दाम है दोस्तों यहाँ पे $59, ठीक है, और इसे आपको बाय करना होगा। ये वेबसाइट दोस्तों आप फ्री में भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगा अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं साइट से तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अधिक विजिटर आएंगे। अगर आप लोग फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन लेते हैं तो ये कभी भी साथ छोड़ देगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो फ्री होस्टिंग फ्री डोमेन के ऊपर ना जाएं, डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रिप्ट को खरीद लें और पेड होस्टिंग और पेड डोमेन यूज़ करें, ताकि दोस्तों आपके विजिटर को किसी तरह का दिक्कत ना हो और आपके वेबसाइट को जनमीन माना जाए। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसका इंटरफेस को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो एक नया इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इसी तरह का वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसे मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। GA.GL का भी इसी तरह का साइट है, ठीक है। बहुत ऐसी साइट दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसका बैकग्राउंड वगैरह को आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। अगर दोस्तों चेंज नहीं करते हैं तो लोग यही समझेंगे कि ये एक फेक साइट है, यहाँ पे पेमेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लॉग इन हूँ तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसे लॉग इन कैसे करना है। दोस्तों आप जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस लिंक को जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डेमो साइट का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। डायरेक्टली दोस्तों यहाँ से आप लोग कॉपी करें और साइन इन के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से दोस्तों साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ये दोस्तों विजिटर के लिए है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एडसेंस का ऐड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग भी अपना ऐड लगा सकते हैं, बहुत अधिक अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपना ऐड कैसे लगा सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके एडमिन एरिया में चले जाइएगा। आप एडमिन एरिया में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ऐड लगाना है। सिंपली दोस्तों सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे सेटिंग होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से दोस्तों आप अपने ब्लॉग का SEO वगैरह भी कर सकते हैं। जर्नल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे साइट का नाम दीजिए, यहाँ पे साइट का SEO दीजिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है। डोमेन वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे इसका नाम वगैरह दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसका डोमेन का जो कुछ देना चाहते हैं अपने हिसाब से दे दीजिए, और उसके बाद अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर दीजिए। लैंग्वेज भी यहाँ पे है, डिज़ाइन भी है, लिंक भी है, अर्निंग भी है, यूज़र भी है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऐड लगा सकते हैं। एडमिन ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एडसेंस का ही ऐड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको मेंबर एरिया ऐड है, ठीक है, कैप्चा ऐड है। कैप्चा यानी फिल करने से पहले जो ऐड दिखता है वो है, इंडस्ट्रियल ऐड है, वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको एडसेंस का ऐड सारा जगह देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों एडसेंस में बहुत अधिक अर्निंग है और अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है, और यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉड वगैरह भी नहीं किया जाता है, तो इसलिए एडसेंस का ऐड लगाया गया है। और ताकि दोस्तों अधिक से अधिक लोग विजिटर को रेवेन्यू ये दे सकें, अर्निंग करवा सकें। और दोस्तों यहाँ से कैप्चा का भी सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पे सिक्योरिटी है, और यहाँ पे दोस्तों ब्लॉग का URL वगैरह भी दे सकते हैं, सोशल मीडिया का लिंक भी आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस साइट के ऊपर आने के बाद काम ना करें। अगर दोस्तों आप लोग काम करते हैं तो यहाँ पे अर्निंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेंबर एरिया पे चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि मेंबर एरिया में किस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर एरिया में इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एडसेंस का ऐड दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ से अपना URL शॉर्ट कीजिएगा,
ठीक है, चलिए हम यहाँ से यूआरएल सॉर्ट करते हैं। यूआरएल सॉर्ट करने के बाद दोस्तों आपको दिखा देते हैं, सेम टू सेम वैसा ही साइड है जैसा हम लोगों ने आपको यहाँ पे बताया था। बस दोस्तों यहाँ पे आप लोग फ्री में नहीं कर सकते, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से खुलता था। और यहाँ पे दोस्तों कैप्चा है, कैप्चा वगैरह को फिल कीजिए, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर करते हैं क्लिक, ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों उसी तरह का है जैसा मान लीजिए हमारा GA.GL का वेबसाइट जो वगैरह पे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि आप लोग किस तरह से URL शॉर्टनर के साइट को बना सकते हैं। आप लोग फ्री के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, यहाँ से बहुत अधिक अर्निंग होती है। अगर आप लोग फ्री के चक्कर में पड़ते हैं तो मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग फ्री वाला काम करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग भी होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग अपना खुद का URL शॉर्टनर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं और फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के चक्कर में ना पड़े। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, पेड डोमेन खरीद लें और पेड होस्टिंग लें, ताकि दोस्तों अगर अधिक से अधिक विजिटर आते हैं तो आपके साइट के ऊपर किसी तरह का भी इफेक्ट ना पड़े, शटडाउन वगैरह ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।